मैं आज डीजी सीआरपीएफ को जरूर कहना चाहता हूं, जैसे देश के अंदर हर क्षेत्र हर इकाई अपने लक्ष्य तय कर रहा है, सीआरपीएफ भी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में एक शताब्दी तक के सीआरपीएफ का रोडमैप, आने वाली चुनौतियां और आने वाली टेक्नोलॉजी को, उपलब्ध टेक्नोलॉजी को और आने वाली टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की रणनीति दोनों बनाकर सीआरपीएफ को सबसे आधुनिक, सबसे सक्षम और सबसे इफेक्टिव सशस्त्र बल बनाएं, इस दिशा में हमने काम करना होगा। मुझे विश्वास है कुलदीप जी के नेतृत्व में सीआरपीएफ की पूरी टीम इसको आगे बढ़ाएगी। मित्रों, आज एक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में रखा है, तब मैं निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की स्थिति का भी बात करना चाहूंगा। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है, 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी है, जिला पंचायतें बनी है। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, इसके साथ ही धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से, जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है, कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। औद्योगिक विकास भी, देश की आजादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, हमारे एलजी साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर के अंदर जमीन पर उतारने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री पैकेज के सारे पहलुओं को पूर्ण करने के लिए द्रुत गति से काम हो रहा है। हर घर जल, बिजली हर घर पहुंचाना, कोरोना के लिए एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी करना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, हर घर के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना, ये सारी योजनाओं में शत प्रतिशत सैचुरेशन जम्मू कश्मीर लाया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन बहुत बहुत बधाई का हकदार बनता है। सड़क निर्माण में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये 5 साल के अंदर सड़क निर्माण आजादी के बाद सबसे तेज रफ्तार के साथ हुआ है। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे गांव को जोड़ने वाले छोटे छोटे रास्ते हो, हर क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है।